हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड एंड सिल्वर फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्ट्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग साथ में लाइक कॉमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंडेक्स में स्ट्रांग डाउनफॉल दिख रहा है। तो डॉलर इंडेक्स के वन आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं सीपीआई का डेटा आने के बाद से जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रांग डाउनफॉल दिख रहा है। और दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोज में डिस्कस किया है, वीक डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, सीपीआई का डेटा रिलीज होने के बाद जो है डॉलर इंडेक्स में डाउनफॉल दिखा और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा। और दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 104 डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। दोस्तों, 105 का लेवल डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों, वीक सीपीआई डेटा आने के बाद से जो है मार्केट अभी एंटिसिपेट कर रहा है आने वाले समय में फिर से रेट कट हो सकता है। उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर 104 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे स्ट्रांग बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में और भी स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 6 PM को सीपीआई का डेटा रिलीज होने के साथ साथ हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज किया था सीपीआई का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और उसी हिसाब से दोस्तों, अगर आप लोगों ने सीपीआई का डेटा रिलीज होने के बाद गोल्ड और सिल्वर में बाय पोजिशन लिया है, तब जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को US का CPI मंथ ओवर मंथ का डेटा आया था। दोस्तों, इसका एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम आया है और उसी हिसाब से दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को CPI ईयर ओवर ईयर का डेटा आया है और दोस्तों, इसका एक्चुअल डेटा भी फोरकास्ट डेटा से कम आया है और उसी हिसाब से दोस्तों, ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। तो उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर CPI मंथ ओवर मंथ का डेटा आया है और दोस्तों, इसका एक्चुअल डेटा भी फोरकास्ट डेटा से कम आया है और उसी हिसाब से दोस्तों, ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और उसी हिसाब से दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव आया है। और दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया है और दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव आया है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव आया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव आया है और दोस्तों, CPI का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव आया है। और दोस्तों, क्योंकि CPI का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी हिसाब से दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक पॉजिटिव बन गया है। तो ये रहा दोस्तों गोल्ड और सिल्वर का फंडामेंटल एनालिसिस। आशा करता हूँ आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छे लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।